भोलेनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर है, श्रद्धालु आए दिन यहाँ पे आते रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको थल केदार की खूबसूरत मंदिर दिखाने वाले हैं, जिसमें यह वीडियो हमारा केवल रूट ट्रैक पर होगा, जिसमें पिथौरागढ़ की घाटी से हम आपको ले चले हैं और मंदिर की आखिरी प्रांगण तक हम आपको पूरा ट्रैक दिखाएंगे और मंदिर का पूरा दृश्य आपको देखना होगा। तो इसके बाद आने वाले सेकेंड पार्ट में आपको पूरा मंदिर दिखाया जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी भी दी जाएगी मंदिर का। तो दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत सड़कों के आसपास प्रकृति का नज़ारा, मनमोहक यह दृश्य। पिथौरागढ़ के एचोली से आगे निकलकर बड़ावे वाली रोड पे थल केदार का भव्य मंदिर है, जहाँ पर मेन रोड पे ही खूबसूरत गेट मिल जाएगा और ये आपके सामने है थल केदार का भव्य गेट। तो दोस्तों चलते हैं अब इस यात्रा में, 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो बहुत ही खूबसूरत और रोमांचकारी होने वाला है। गल का यह यात्रा काफ़ी खूबसूरत, ये देखिए थल केदार मंदिर मार्ग लिखा हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे पार्ट 2 को ज़रूर देखें, जिसमें हम थल केदार का पूरा मंदिर दिखाएंगे, एक एक चीज़ बाढ़की से, पंडित जी से मंदिर का रहस्य भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने ग्रुप के साथ ये है हमारी पूरी टीम जो भोलेनाथ के मंदिर मिल गए। कोई आगे कोई पीछे चल रहे थे, बट अब साथ में चल रहे हैं। जरूर विजिट करें यहाँ। हमें जाना है स्टॉप पे, यहाँ पे है थल केदार का भव्य मंदिर। इस पहाड़ी पे जाना है अभी। ये है महान भक्त हमारे भोलेनाथ के। अपने धुन में मगन चढ़ाई में चढ़ते हुए भी मेरे भाई लोग अपने धुन में मगन हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, भोलेनाथ के भक्त हैं ये भी, बहुत बड़े वाले भक्त जो अपने धन में मग्न हैं। तो चारे थल केदार और आप लोगों को भी बहुत से व्यूज देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। और इनके ग्रुप के मेंबर हम भी हैं और ये लोग हमें भूल जा रहे हैं। और आप लोग यहाँ जरूर विजिट करें। एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, मुझे गाड़ी लगती नहीं है, बट आज मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से वहाँ पहुँचूंगी। पर इतने कॉमेडियन हमारे साथ है तो ऑब्वियसली हम पहुँचेंगे। तो सुना ये हाल है इनके आधे घंटे के सफर में। हाँ गाइस, अभी हम 5 मिनट भी नहीं। और ये हमारी टीम थल केदार भोलेनाथ जी के मंदिर दर्शन करने को निकल चुकी है। अब हमें
चढ़ना है जंगलों के बीच से खड़ी चढ़ाई। दोस्तों इसमें दिखाया गया है मंदिर और सड़क की दूरी। जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर यहाँ से भी 2 किलोमीटर है और सड़क भी 2 किलोमीटर है। अभी हमें जाना है इस वाले पहाड़ी में और अभी रास्ता काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पूरा जंगल है और यहाँ बांस के पेड़ हैं हर तरफ। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, आपको बहुत सुकून सा मिलेगा यहाँ आकर। जब आप कभी भी अलोन फील करते हो तो प्लीज यहाँ आइए और इस प्रकृति का मजा ले। ये देखिए दोस्तों घनघोर जंगलों के बीचों बीच ये रास्ता थल केदार मंदिर को जाती हुई, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर साइड को देखोगे तो घनघोर जंगल है और यहाँ से अगर रास्ते से नीचे साइड को देखते हो यहाँ भी घनघोर जंगल है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पूरा जंगल है और यहाँ बांस के पेड़ हैं हर तरफ। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, आपको बहुत सुकून सा मिलेगा यहाँ आकर। जब आप कभी भी अलोन फील करते हो तो प्लीज यहाँ आइए और इस प्रकृति का मजा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर सभी का आप सभी का स्वागत है हमारे मंदिरों की श्रृंखला में, जिसमें आज हम आपको ले चल रहे हैं थल केदार के भव्य मंदिर में, जहां हम आपको दिखाएंगे भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप, जहां पे पिथौरागढ़ से काफ़ी ऊंची जगह में है जंगलों से घिरा हुआ। तो चलते हैं हम आप अपने टीम के साथ, पीछे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं और कुछ लोग आगे भी जा रहे हैं। हम सबको दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको थल केदार का भव्य मंदिर भोलेनाथ जी का। लगभग 1 किलोमीटर और है अभी चलना, 3 किलोमीटर तक लगभग हम आ चुके हैं ऊपर खड़ी चढ़ाई में। और ये देखो भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। हम आपको दिखाएंगे भव्य मंदिर कुछ क्षणों के बाद। अभी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी हमारा चढ़ाई में चलना है तो सफर भी काफी ज्यादा है और हम काफी थक चुके हैं। वैसे हम हिमालय के रहने वाले बंदे हैं, हम इतनी आसानी से थकने वालों में से नहीं है। हाँ गाइस मेरे भाई लोग जाते बट मैं बहुत थक गई हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रास्ता काफी लंबा है, तो एक और यहाँ पर बैठने के लिए जगह है। 4 किलोमीटर की लंबी सफर है हमारा भोलेनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर कुछ बना हुआ है ये बैठने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं बैठ सकते हैं यहाँ पे। गाइस काफी सारा चलने के बाद हम पहुंचे थल केदार के ट्रैकिंग मार्क पे। और अभी हम आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हमें बहुत सारा चलना है अभी। गाइस देखो हमारे पीछे थके हारे पहुंचे हैं, काफी थक चुके हैं। और आप लोग व्यू देख सकते हो काफी अच्छा है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे लगभग शायद 1/2 किलोमीटर होगा बच्चा जी। आप लोगों का सफर बस इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है और बने रहिए हमारे। ये देखिए अब यहाँ से हमें नीचे को उतरना है, जैसे कि आप देख सकते हो रास्ता अब
ढलान में जाना है, हमें काफ़ी सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि बारिश हुई है तो फिसलन भी काफ़ी है यहाँ पे। बरसात का मौसम है आप समझ सकते हैं। फिर सो गाइस, जैसा कि हमने बताया था कि रास्ते में आपको छोटे छोटे से मंदिर मिलेंगे, देख लो एक ये है और अभी आगे काफ़ी सारे मिलेंगे। हाँ गाइस, अगर आप बरसात में यहाँ आते हैं तो प्लीज़ लॉन्ग लॉन्ग शूज़ पहन के आए। पहाड़ी में हमारे वहाँ गंबूट बोलते हैं जो हिमालय में चाकू रेमबूट पहनते हैं। रास्ता पूरा जंगल का है तो समझ सकते हो अकेले आने की भूल ना ही करे तो बेहतर है क्योंकि पहाड़ के लोगों हिमालय होने के कारण जंगली जानवरों का भी भाई यहाँ पे काफ़ी होगा। तो प्लीज़ ग्रुप के साथ ही आएँ। हालांकि प्रभु के दरबार पे जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। सफ़र लंबा है, कम 4 किलोमीटर का यह सफ़र है, उसके बाद हम पहुंचेंगे भोलेनाथ के मंदिर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हिमालय है तो हिमालय में बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ भी होंगे ही। सैकड़ों सालों से यहाँ पर खड़े बड़े बड़े पेड़ आपको दिख ही रहा है। अगर आपको हिमालय की डीप की जानकारी देखनी है तो आप हमारे हिमालय यात्रा के वीडियोस में देख सकते हो, जो ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। खूबसूरत से पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, देखिए जैसे आप देख सकते हैं। हिमालय की इस वादियों में जो सुकून है, शहर की भीड़ भाड़ चकाचौक जिंदगी में ये नहीं है। हाँ गाइस, प्रकृति का स्पर्श लीजिए, उसको फील कीजिए, हम तो नेचर लवर हैं। हमारा काम है आपको प्रकृति को अच्छे से दिखाना, प्रकृति की हर एक छोटी सी छोटी जानकारी को बताना। गाइस, जो भी हिमालय यात्रा में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, काफ़ी चीज़ें दिखाया भी था और उसी का एक छोटा सा नमूना आपके सामने ये इस वीडियो में दिखा रहे हैं हम। हिमालय की कुछ खास खास जड़ी बूटियाँ तो अभी हम दिखा नहीं सकते, उसके लिए हमने आपको अलग से वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। जैसा कि मंदिर के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे भी दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। और गाइस, अब काफ़ी कम हमारा जो क्या बोलते हैं सफ़र है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने थल केदार का मंदिर नहीं देखा है तो खास कर ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना है। आप लोग शहर में रहकर या फिर शहर में आने के बाद थल केदार मंदिर नहीं आए तो फिर आपने छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ में देखा ही क्या। तो आइए, स्वागत है भोलेनाथ के पवित्र धाम में थल केदार, जो पिथौरागढ़ से बढ़ावे की रोड पर पड़ती है और रोड से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम मंदिर में पहुंचेंगे, जहां अभी भी बहुत चढ़ाई चढ़नी है हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरे जंगल का सबसे भयानक सा पेड़ है। और यहाँ पे कुछ मंदिर के बारे में जानकारियाँ दी गई है जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और अगर क्योंकि यात्रा लंबी है तो यहाँ पे बैठने के लिए भी व्यवस्था पूरी है सफर के दौरान। हम अभी थके हैं तो हम वेट नहीं कर रहे, यहाँ पर छोटा सा मंदिर है। जय हो प्रभु। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए निकलेंगे, अब आगे को कोहरा भी नजर आ रहा है और आपको बीच रास्ते में बहुत से मंदिर भी दिखेंगे छोटे छोटे से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के लिए रास्ता काफी चौड़ा है, ऐसा नहीं कि समूचे रास्ते से चलना है हमें। आप लोग देख जगह के लेकिन सावधानी बरतनी होगी, बरसात के टाइम पर आते हो तो फिसलन काफी रहता है यहाँ पे, और अगर ठंड के मौसम में आप यहाँ आते हो तो ठंड भी काफी रहती है। जी नमस्ते, जय भोलेनाथ। ये है मंदिर की पुजारी जी। अब हम ले जाएंगे आपको मंदिर के प्रांगण में, के अंदर भीतरी छोर में। जहाँ पर आप देख सकते हैं भली भांति साक्षात भोलेनाथ का यह भव्य मंदिर, जो लाखों श्रद्धालुओं का श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों, ये तो था मंदिर ट्रैक। केवल मंदिर की पूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देखें, इसमें पूरा मंदिर दिखाया गया है।